आई दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है सक्सेस क्लास 22 में। आज हम लोग एक नया क्लास स्टार्ट करेंगे, एलिगेशन यानी मिश्रण। ठीक है, या दोस्तों एलिगेशन से आप लोग का पहला क्लास होगा और इस क्लास में हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। आपको दोस्तों विश्वास के साथ देखना है और सुनना है, ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एलिगेशन यानी मिश्रण क्यों करना चाहिए और मिश्रण करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो इसको समझने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिया हूँ, चलिए इसे समझिए। मान लेते हैं दोस्तों एक व्यापारी है और वह ईमानदार भी है, ठीक है। उसने दोस्तों मार्केट से दो अलग अलग क्वालिटी का चावल खरीदा, ठीक है। पहला चावल उसने दोस्तों खरीदा 40 रुपया प्रति केजी वाला 3 केजी, और इसको दोस्तों टोटल खर्चा पड़ा 120 रुपया। और दूसरा प्रकार का चावल खरीदा एक उससे कम क्वालिटी वाला 20 रुपया प्रति केजी वाला 2 केजी, तो इसमें दोस्तों उसको खर्चा पड़ा 40 रुपया। जब व्यापारी ने दोस्तों इस दो क्वालिटी का चावल खरीदा और इसे बेचना चाहा, तो उसके पास जब ग्राहक आया उसने क्या देखा कि यहाँ पर दो अलग अलग क्वालिटी का चावल था, ठीक है। पहला था 40 रुपया प्रति केजी वाला और दूसरा था 20 रुपया प्रति केजी वाला। तो ग्राहक को दोस्तों एक तो ज़्यादा महंगा लगा और एक क्या लगा, ज़्यादा सस्ता लगा, ठीक है। दोनों प्रकार का चावल दोस्तों ग्राहक को पसंद नहीं आया, क्यों? क्योंकि दोस्तों एक ज़्यादा महंगा हो गया यानी 40 रुपया प्रति केजी हो गया, और एक सस्ता हो गया यानी 20 रुपया प्रति केजी हो गया। एक ज़्यादा महंगा हो गया, एक सस्ता हो गया। अब दोस्तों व्यापारी करे क्या, ठीक है, उसे तो चावल बेचना है। अब दोस्तों वह क्या करेगा, इस दोनों चावल को मिलाएगा, ठीक है। इस दोनों प्रकार के चावल को मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों प्रकार के चावल को मिलाने के बाद उसके पास चावल हो जाएगा टोटल 5 केजी, ठीक है। और उसको खर्चा पड़ा टोटल कितना, पहला में पड़ा 120 और दूसरा में पड़ा 40, यानी टोटल खर्चा उसको पड़ गया कितना, 160 रुपया, और चावल हो गया उसके पास कितना, 5 केजी। अब दोस्तों व्यापारी ने दोनों प्रकार के चावल को मिलाकर मिश्रण कर दिया, ठीक है, और टोटल चावल हो गया उसके पास 5 केजी। अब दोस्तों क्या करेगा, उसे बेचेगा। तो व्यापारी को दोस्तों ऐसा कौन सा रेट रखना चाहिए जिससे उसे क्या हो, ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, 160 में डिवाइड कर देना है 5 से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 5 × 3 = 15, या आपका हो जाएगा 5 × 2 = 10, यानी उस व्यापारी को 32 रुपया प्रति केजी के हिसाब से अगर इस चावल को बेचता है, यानी 5 केजी चावल को बेचता है 32 रुपया पर केजी के हिसाब से, तो उसे दोस्तों ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा, ठीक है। मतलब वह कहने का दोस्तों व्यापारी ने क्या किया, जो चावल सस्ता था और जो महंगा था वह दोनों ग्राहक को पसंद नहीं आ रहा था, ठीक है। तो उसने दोनों चावल को मिलाकर एक तीसरा प्रकार बना लिया यानी मिश्रण कर दिया, और उसके पास चावल हो गया 5 केजी, और उसने 32 रुपया प्रति केजी के हिसाब से बेचेगा, ठीक है। अगर वह दोस्तों 32 रुपया प्रति केजी के हिसाब से बेचेगा तो उसे दोस्तों 160 रुपया प्राप्त होगा, और इतना ही खर्चा पड़ा है, तो उससे दोस्तों उसे लाभ भी नहीं होगा और हानि भी नहीं होगा, ठीक है। और उसका चावल भी बिक जाएगा, मतलब मीडियम क्वालिटी में आ गया, तो इससे दोस्तों उसको कोई भी घाटा नहीं होगा। और उसने क्या क्या मिश्रण कर दिया, मिश्रण करने से दोस्तों उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ, और वह भी पहले लाभ नहीं लेना चाहता था, तो इसलिए दोस्तों उसने क्या क्या मिश्रण कर दिया, इससे ग्राहक को भी अच्छा लगेगा, मतलब मीडियम क्वालिटी में आ गया 32 रुपया प्रति केजी, पहले से बिक ही नहीं रहा था, ठीक है। पहले से व्यापारी को न तो 40 रुपया प्रति के जी वाला बिक रहा था और न ही 20 रुपया प्रति के जी वाला बिक रहा था, ठीक है। इसलिए दोस्तों उसे मिलाकर एक तीसरा प्रकार का चावल तैयार किया और जिसका रेट रखा 32 रुपया प्रति के जी, यह दोस्तों मीडियम क्वालिटी में आ गया, तो इससे दोस्तों ग्राहक को भी आसान होगा, ठीक है। यही दोस्तों व्यापारी समझदार था, उसने मिश्रण से अपना काम निकाला, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मिश्रण पर सवाल किस तरह के आते हैं, ठीक है। यह तो हम लोग समझे मिश्रण होता क्या है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं मिश्रण पर सवाल किस तरह के आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे डायरेक्ट, ठीक है। एक झलक पहले देख लेते हैं सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं मिश्रण से, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं एलिगेशन मेथड पर सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा सवाल होगा जिसे हमको देखने के बाद लगेगा नहीं, इस पर एलिगेशन मेथड लगना चाहिए, ठीक है। इसको समझने के लिए यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसे समझिए। मान लेते हैं दोस्तों एक व्यापारी है, ठीक है, उसने मार्केट से दो तरह का चावल खरीदा, ठीक है। पहला प्रकार का चावल खरीदा उसने 40 रुपया प्रति केजी वाला, कितना खरीदा यह आपको पता नहीं है, ठीक है। उसने दो तरह का चावल खरीदा, दो अलग अलग क्वालिटी का, वह कितना खरीदा यह पता नहीं है, ठीक है। फिर दोस्तों उसने दूसरा प्रकार का चावल खरीदा 20 रुपया प्रति केजी वाला, कितना खरीदा यह भी आपको पता नहीं है, ठीक है। व्यापारी ने दो प्रकार का चावल खरीदा, ठीक है, और दोस्तों आपको यह पता नहीं कितना खरीदा, बस आपको रेट पता है, ठीक है। और उसने दोस्तों क्या क्या इस चावल को बेच दिया 32 रुपया प्रति केजी के हिसाब से, तब दोस्तों आपको बताना है उसने पहला प्रकार का चावल कितना केजी खरीदा और दूसरा प्रकार का चावल कितना केजी खरीदा। बस आपको दोस्तों रेट पता है दोनों प्रकार के चावल का, और आपको दोस्तों यह भी पता है कि वह कितना केजी के हिसाब से बेचा है। तो चलिए दोस्तों इस तरह के सवाल पर हम लोग क्या लगाते हैं, एलिगेशन मेथड लगाते हैं। और एलिगेशन मेथड कहता है जब किसी भी वस्तु को
दो गुण के आधार पर दो अलग अलग भाग में बांटा जाए तब एलिगेशन मेथड लगाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों किसी भी वस्तु को कराए तो किसी वस्तु मतलब यहाँ पर चावल एक वस्तु है ठीक है, और इसको दो अलग अलग गुण के आधार पर विभाजित कर दिया गया ठीक है। पाला का दोस्तों रेट है 40 रुपया प्रति केजी और दूसरा का है 20 रुपया प्रति केजी, मतलब दोनों है चावल, इसको दो गुण के आधार पर बांट दिया है। और एलिगेशन मेथड कहता है क्या, जब किसी वस्तु को ठीक है जब किसी वस्तु को दो गुण के आधार पर दो अलग अलग भागों में बांटा जाता है तब एलिगेशन मेथड का प्रयोग करेंगे ठीक है। और किस तरह से एलिगेशन मेथड लगते हैं चलिए उसे समझते हैं ठीक है। एलिगेशन मेथड कहता है दोस्तों सबसे पहले आपको इसे क्रॉस कर देना है, उसके बाद दोस्तों पहला प्रकार का संख्या पहला बिंदु पर ठीक है पहला पॉइंट पर, और दूसरा प्रकार का संख्या दूसरा पॉइंट पर, और जो भी कॉमन बात रहेगा उसे कॉमन पॉइंट पर लिख देना है, और इसका क्या करना है डिफरेंस कर देना है ठीक है। सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट में से कॉमन पॉइंट को माइनस करके यहाँ पर लिखना है ठीक है, उसके बाद दोस्तों सेकेंड पॉइंट में से कॉमन पॉइंट को माइनस करके यहाँ पर लिखना है, और बीच में लगा देना है अनुपात ठीक है। और यहाँ पर जो भी संख्या निकलेगा वह क्या होगा, या तो संख्या में होगा या मात्रा में होगा ठीक है। जो भी यहाँ पर आपको माइनस करने के बाद संख्या आएगा या तो संख्या में होगा या मात्रा में होगा। संख्या में क्या होगा, जैसे आपका हो गया गाय भैंस लड़का लड़की, ये सब क्या होगा संख्या में होगा, और चावल घी दूध दही ये सब क्या होगा मात्रा में होगा। तो यही दोस्तों यहाँ पर या तो संख्या होगा या क्या होगा मात्रा होगा। अब चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ठीक है। क्वेश्चन कराए एक व्यापारी ने 40 रुपया प्रति केजी के हिसाब से कुछ चावल खरीदा ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक चावल 20 रुपया प्रति केजी के हिसाब से खरीदा ठीक है, दो प्रकार का चावल खरीदा तो दोनों को दोनों पॉइंट पर लिख दिए, उसके बाद दोस्तों इसे बेच दिया 32 रुपया प्रति केजी के हिसाब से, तो यहाँ पर लिखना है 32 ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर डिफरेंस करके लिखना है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट और कॉमन पॉइंट, तो पहला है आपका 40 इसमें से माइनस करना है 32, तो आपका हो जाएगा 40 और माइनस 32 हो जाएगा 8, यहाँ पर लिख देना है 8, अनुपात लगा है अनुपात लगा देना है ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको सेकेंड पॉइंट में से कॉमन पॉइंट को माइनस करके यहाँ पर कोना कोनी लिखना है ठीक है, तो आपका दोस्तों 20 और 32 में कितना का अंतर है 12 का है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 ठीक है। ये दोस्तों बीच में आपका हो गया अनुपात, और अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा होता है, ये आपका दोस्तों 12:8 हो गया, और यह क्या है संख्या कटने वाला है ठीक है। ये आपका हो जाएगा दोस्तों 4×2=8, ये आपका हो जाएगा 4×3=12। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए संख्या निकल गया, अब दोस्तों सामने सामने समझना है ऐसे ठीक है, और यहाँ पर कर देना ऐसे, इस तरह से समझना है। यानी क्वेश्चन कर रहा था 40 रुपया प्रति केजी वाला कितना चावल खरीदा, तो 40 रुपया प्रति केजी वाला 3 केजी खरीदा और 20 रुपया प्रति केजी वाला 2 केजी खरीदा ठीक है। वह व्यापारी जो 32 रुपया प्रति केजी के हिसाब से चावल बेचा और 40 रुपया प्रति केजी के हिसाब से कुछ चावल खरीदा और 20 रुपया प्रति केजी के हिसाब से कुछ चावल खरीदा, आप दोस्तों कह सकते हैं 40 रुपया प्रति केजी के हिसाब से 3 केजी और 20 रुपया प्रति केजी के हिसाब से 2 केजी चावल खरीदा था वह व्यापारी। तो यही दोस्तों है एलिगेशन मेथड, इस तरह से हम लोग निकालते हैं चावल कितना खरीदा था उसने ठीक है, और इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक झलक आप लोगों ने समझ लिए, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके सामने दोस्तों पहला क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन पूछा हुआ है ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों गुणवत्ता ए और बी वाले चावल जिसका मूल्य क्रमशः 35 रुपया प्रति किलो तथा 65 रुपया प्रति किलो है को मिश्रित किया जाता है, प्राप्त मिश्रण का नया औसत मूल्य 50 रुपया प्रति किलो है, मिश्रण में ए और बी की मात्रा का अनुपात है ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों दो गुण वाले चावल है ठीक है, एक है 35 रुपया प्रति किलो वाला, दूसरा है 65 रुपया प्रति किलो वाला, और इसको दोस्तों मिलाकर उसने बेच दिया है 50 रुपया प्रति किलो के हिसाब से। तो आपको बताना है दोस्तों मिश्रण में एक गुण वाला चावल कितना है और बी गुण वाला चावल का मात्रा कितना है ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए इरीगेशन मेथड लगाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको पहला पॉइंट पर पहला बिंदु यानी 35 लिखना है, और यहाँ पर दूसरा पॉइंट पर दूसरा बिंदु यानी 65 लिखना है, और यहाँ पर दोस्तों कॉमन बात क्या करें 50 रुपया प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया यानी मिश्रण करने के बाद, तो यहाँ पर दोस्तों 50 लिखना है और इसका कर देना है डिफरेंस ठीक है। तो 35 और 50 में देखिए कितना का डिफरेंस है, 35 और 50 में दोस्तों 15 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर लिखना है 15 और यहाँ पर अनुपात लगा देना है ठीक है। उसके बाद दोस्तों 65 और 50 में कितना का अंतर है 15 का अंतर है, तो यहाँ पर लिखना है 15, और यह जो हमारा संख्या निकला है 15:15 ठीक है, इसे दोस्तों कटेगा ठीक है, क्योंकि अनुपात का मतलब बट्टा होता है और यहाँ पर बीच में क्या होता है अनुपात होता है। ये दोस्तों आपका हो जाएगा 15×15 या आपका हो जाएगा 15×15 यानी 1:1 हो गया ठीक है, और यह क्या होगा मात्रा का रेशियो होगा ठीक है। यह जो हमारा 1:1 निकला यह क्या होगा मात्रा का रेशियो होगा। और क्वेश्चन कर रहा था आपको दोस्तों ए और बी गुण वाले चावल कितना है यानी उसका मात्रा कितना है, तो आप कह सकते हैं 35 रुपया प्रति किलो वाला 1 केजी और 65 रुपया किलो वाला भी 1 केजी चावल है ठीक है। यही दोस्तों 1:1 के अनुपात में आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को समझते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है 6 रुपया 20 पैसा प्रति किलो वाले चावल
और 7 रुपया 20 पैसा प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव 6 रुपया 50 पैसा प्रति किलो हो जाए। क्वेश्चन दोस्तों आपको कर रहा है, दो प्रकार का चावल है, ठीक है, एक है 6 रुपया 20 पैसा प्रति किलो और दूसरा है 7 रुपया 20 पैसा प्रति किलो। आपको बताना है दोस्तों इसको किस अनुपात में मिलाएंगे कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 6 रुपया 50 पैसा प्रति किलो हो जाए। यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है 6 रुपया 20 पैसा प्रति किलो और यहाँ पर है दोस्तों आपका 7 रुपया 20 पैसा प्रति किलो और यहाँ पर दोस्तों कॉमन बात है 6 रुपया 50 पैसा प्रति किलो, तो इसे लिख देना है 6 रुपया 50 पैसा प्रति किलो और इसका कर देना है अंतर। ये आपका दोस्तों 6 रुपया 20 पैसा और 6 रुपया 50 पैसा में कितना का अंतर है, 30 पैसा का अंतर है, तो आपका हो जाएगा दोस्तों 30 पैसा, यहाँ पर अनुपात लगा देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये दोस्तों 7 रुपया 20 पैसा और 6 रुपया 50 पैसा में देखिए कितना का अंतर है, ये दोस्तों आपका हो जाएगा 70 पैसा, तो यहाँ पर लिख देना है आपको 70 पैसा, ये आपका दोस्तों अनुपात हो गया बीच में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यह जो हमारा अनुपात निकला है, ठीक है, यह क्या होगा, मात्रा में होगा, ठीक है, क्योंकि चावल है तो चावल क्या होगा, मात्रा में होगा। यहाँ पर दोस्तों अब आपको क्या करना है, यह आपका 70 पैसा और यह है 30 पैसा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों साइड बराबर संख्या के बाद दशमलव है, तो आपको दोस्तों सबसे पहले दशमलव को हटा देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 0 से 0 खत्म, यह आपका हो जाएगा 7:3 के अनुपात में, ठीक है। ये दोस्तों आपका आ गया 7:3 के अनुपात में, ठीक है। आप कह सकते हैं 6 रुपया 20 पैसे वाला 7 kg चावल और 7 रुपया 20 पैसे वाला 3 kg चावल मिलाएगा तो मिश्रण का जो मूल होगा कितना हो जाएगा, 6 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दोस्तों यही कह रहा था किस अनुपात में मिलाएगा, तो 6 रुपया 20 पैसा वाला 7 kg और 7 रुपया 20 पैसा वाला 3 kg को मिलाना चाहिए, तब दोस्तों मिश्रण का जो भाव है कितना हो जाएगा, 6 रुपया 50 पैसा किलो हो जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 7:3 के अनुपात में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार को 30 रुपया प्रति kg के चावल को 40 रुपया प्रति kg के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल 33 रुपया प्रति kg हो जाए, ठीक है। एक दुकानदार है दोस्तों, उसे आपको बताना है 30 रुपया प्रति kg वाला और 40 रुपया प्रति kg वाला चावल किस अनुपात में मिलाएगा कि मिश्रण का मूल कितना हो जाएगा, 33 रुपया प्रति kg हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है 30 रुपया प्रति kg वाला चावल, यहाँ पर लिखना है 40 रुपया प्रति kg वाला चावल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कॉमन बात क्या है, 33 रुपया प्रति kg, यहाँ पर लिखना है 33 रुपया प्रति kg और इसका कर देना है अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 30 और 33 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है, तो यहाँ पर लिखना है 3, अनुपात लगा देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 40 और 33 में कितना का अंतर है, 7 का है, तो यहाँ पर लिख देना है 7 और यह क्या होगा, मात्रा में होगा, क्योंकि क्या यह चावल है तो यह क्या होगा, मात्रा में होगा, मतलब 7:3 के अनुपात में होगा। आप कह सकते हैं दोस्तों उस दुकानदार को 40 रुपया प्रति kg वाला 3 kg और 30 रुपया प्रति kg वाला 7 kg चावल को मिलाना चाहिए जिससे मिश्रण का मूल्य कितना हो जाएगा, 33 रुपया प्रति kg हो जाएगा। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 7:3 के अनुपात में मिलाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को समझते हैं, आपके सामने दोस्तों अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है सोना पानी से 17 गुना भारी है और तांबे से 9 गुना भारी है, कौन सोना किस अनुपात में धातुओं का मिश्रण किया जाना चाहिए ताकि वे पानी से 12 गुना भारी हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन करे दोस्तों सोना जो है पानी से कितना भारी है, 17 गुना भारी है और तांबे से 9 गुना भारी है, ठीक है। आपको बताना है किस अनुपात में मिश्रण करेंगे यानी मिलाएंगे ताकि वे पानी से 12 गुना भारी हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है सबसे पहले 17, ठीक है, पहला पॉइंट पर पहला बिंदु, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट पर दूसरा बिंदु यानी 9 और यहाँ पर दोस्तों कॉमन पॉइंट पर कॉमन बिंदु 12, ठीक है, और इसका कर देना है अंतर। अब देखिए दोस्तों 17 और 12 में कितना का अंतर है, 5 का अंतर है, तो यहाँ पर लिखना है 5, अनुपात लगा देना है। उसके बाद दोस्तों 12 और 9 में कितना का अंतर है, 9 3 12 यानी 3 का अंतर है, तो यहाँ पर लिखना है 3। ये दोस्तों आपका निकल गया 3:5, तो उसे दोस्तों 3:5 के अनुपात में मिश्रण को क्या करना चाहिए, मिलाना चाहिए। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 3:5, बहुत ही आसान था और यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है ग्रुप डी एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, इसे समझिए। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एक व्यापारी 50 किग्रा चीनी का कुछ लागत 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेचता है, यदि उसका औसत लाभ 14% हो तो 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एक व्यापारी है, ठीक है, वह दोस्तों 50 किलो चीनी बेचा है, कितना, 50 किलो, और इस 50 किलो चीनी को बेचा है सबसे पहले 8% लाभ पर, उसके बाद दोस्तों शेष जो बचा उसे बेचा 18% लाभ पर, तो क्वेश्चन में आपको यह भी पता है कि उसका औसत लाभ कितना है, 14%। आपको बताना है दोस्तों 18% लाभ पर उसने कितना चीनी बेचा, ठीक है, वह व्यापारी। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना है 8%, उसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको 18%, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों कॉमन बात है कितना, 14%, तो यहाँ पर लिखना है 14%। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसका कर देना है अंतर, ठीक है।
तो 8 और 14 में कितना का अंतर है, 6 का अंतर है, तो यहाँ पर लिखना है 6%, अनुपात लगा देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 14 और 18 में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है, तो यहाँ पर लिखना है 4%, और यह क्या होगा, मात्रा में होगा, क्योंकि क्या यह चीनी है, ठीक है, चीनी को हम लोग क्या करते हैं, तोलते हैं, तो यह क्या होगा, मात्रा में होगा। ये दोस्तों परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, दो से दोस्तों ये कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 3 6, या आपका हो जाएगा 2 2 9 4, यानी 2:3 के अनुपात में होगा क्या, चीनी का अनुपात। अब दोस्तों आपको बताना है 18% ला पर कितना चीनी बेचा है, ठीक है, और आपको चीनी का अनुपात पता है कितना है, 2:3 के अनुपात में है, और टोटल चीनी आपको पता है कितना है, 50 kg है। तो मतलब आप कह सकते हैं 5 अनुपात का वैल्यू किसके बराबर होगा, 50 के बराबर होगा, क्योंकि अनुपात में चीनी कितना है, 2:3 के अनुपात में है, टोटल चीनी आपका हो गया अनुपात में कितना, 5, और रियल में कितना है, 50 है, तो यहाँ पर दोस्तों दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से दोस्तों 1 अनुपात का वैल्यू आपका हो जाएगा 5 × 50 यानी 10। आप कह सकते हैं 1 अनुपात का वैल्यू कितना है, 10 kg, तो 3 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 kg हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों 3 मल्टीप्लाई कर देना है 10, तो आपका हो जाएगा 30 kg। क्वेश्चन करा था 18% ला पर कितना चीनी बेचा, तो 18% ला पर आप कह सकते हैं कितना बेचा, 30 kg। अगर क्वेश्चन का था 8% प्रति, आपका दोस्तों 8% और कितना है, 2 के अनुपात में है, तो आपका हो जाता 10 × 2 = 20 kg, लेकिन क्वेश्चन करा था कितना, 18% ला पर, वह व्यापारी ने 18% लाभ पर 30 kg चीनी बेचा, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 30। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है 48 रुपया प्रति किग्रा मूल्य वाली 60 किग्रा चीनी में 55 रुपया प्रति किग्रा मूल्य वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52 रुपया 50 पैसा प्रति किलो हो जाए। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको कर रहा है दो प्रकार का चीनी है, ठीक है, एक है 48 रुपया प्रति किलो वाला और एक है 55 रुपया प्रति किलो वाला, लेकिन दोस्तों 48 रुपया प्रति किलो वाला चीनी आपको पता है कितना है, 60 kg है, और 55 रुपया प्रति किलो वाला चीनी आपको बताना है कितना मिलाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, चीनी का मूल 52 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको मूल पता है, पहला है 48 रुपया प्रति किलो वाला, दूसरा है 55 रुपया प्रति किलो वाला, और इसका दोस्तों कॉमन मूल कितना है, 52 रुपया 50 पैसा है, तो यहाँ पर लिखना है 52 रुपया 50 पैसा, और इसका कर देना है अंतर, ये दोस्तों 48 × 2 = 50 × 2 = 52, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 4 रुपया 50 पैसा, अनुपात लगा देना है, ठीक है। ये दोस्तों 55 रुपया में से 52 रुपया 50 पैसा माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 रुपया 50 पैसा, और यहाँ पर दोस्तों यह क्या होगा, मात्रा में होगा, क्योंकि क्या यह चीनी है, तो यह दोस्तों मात्रा में होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों साइड क्या है, दशमलव बराबर संख्या के बाद है, तो आपको दशमलव हटा देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 0 से 0 खत्म, ये आपका हो गया दोस्तों 25:45, तो 5 से 6 काटेगा तो आपका हो जाएगा 15:45, ये हो जाएगा 25:25 यानी 5:9 के अनुपात में होगा उसका चीनी, ठीक है। और क्वेश्चन करे दोस्तों 48 रुपये प्रति किलो वाला कितना चीनी है, 60 kg है, और अनुपात में कितना है, 5 है। आप कह सकते हैं दोस्तों 5 अनुपात का वैल्यू किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, चीनी की मात्रा है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, दोनों बराबर होगा, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 12×5=60 यानी 12 kg, मतलब 1 अनुपात का वैल्यू हो गया 12 kg। और क्वेश्चन करे 55 रुपये प्रति किलो वाला कितना चीनी मिलाएगा, तो 55 रुपये प्रति किलो वाला अनुपात में कितना है, 9 अनुपात में है, और 1 अनुपात का वैल्यू है 12, 12 मल्टीप्लाई कर देना आपको 9, तो आपका हो जाएगा 92/78 से यानी 108। आप कह सकते हैं 55 रुपये प्रति किलो वाला कितना चीनी होगा, 108 किलो होगा, ठीक है। 55 रुपये प्रति किलो वाला अगर 108 kg चीनी मिलाएगा, तो मिश्रित करने के बाद जो चीनी का मूल्य होगा कितना हो जाएगा, 52 रुपये 50 पैसा हो जाएगा। यही दोस्तों क्वेश्चन करा था 55 रुपये प्रति किलो वाला कितना चीनी मिलाएगा, तो 108 kg चीनी उसे मिलाना पड़ेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 108। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है दो अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः 1.5% तथा 2.5% है, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में प्राप्त अल्कोहल की मात्रा 3.5% हो जाए। दो अलग अलग प्रकार की दवा है, ठीक है, जिसमें आपको अल्कोहल की मात्रा पता है, पहला में अल्कोहल की मात्रा कितना है, 1.5% है, और दूसरा में 2.5% है। आपको बताना है इसे किस अनुपात में मिलाएगा कि नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 3.5% हो जाए। यहाँ पर आपको लिखना है 1.5%, ये आपका हो जाएगा 2.5%, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कॉमन बात क्या है, 3.5%, यहाँ पर लिखना है 3.5%, और इसका कर देना है अंतर। 1.5 और 3.5 में कितना का अंतर होगा, 2 का अंतर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2%, अनुपात लगा देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1.5 और 3.5 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, तो यहाँ पर लिखना है 1, अनुपात लगा देना है। ये दोस्तों क्या होगा, मात्रा में होगी, क्योंकि यह क्या है, अल्कोहल है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, परसेंट से परसेंट खत्म, ये आपका हो गया दोस्तों 1:2 के अनुपात में, ठीक है। आप कह सकते हैं दोस्तों 1.5% वाला अल्कोहल की जो दवा है या 1 लीटर तथा 2.5% वाला अल्कोहल की जो दवा है या 2 लीटर अगर मिलाएंगे
तो नए मिश्रण में अल्कोहल की जो मात्रा होगा वह कितना होगा, 3.5% हो जाएगा, यानी 1:2 के अनुपात में मिलाना होगा। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1:2 के अनुपात में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दोस्तों आज की इस मिश्रण क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसे समझिए। क्वेश्चन करा है 14.40 रुपया प्रति किलो की गेहूँ को 11.40 रुपया प्रति किलो गेहूँ के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल 12.60 रुपया प्रति किलो हो जाए। दो तरह का गेहूँ है, ठीक है, एक है 14.40 रुपये वाला और एक है 11.40 रुपये वाला। आपको बताना है इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल 12.60 रुपये प्रति किलो हो जाए, ठीक है। एक है दोस्तों गेहूँ कितना 14.40 रुपये प्रति किलो वाला और एक है 11.40 रुपये प्रति किलो वाला। और इसका दोस्तों कॉमन मूल आपको पता है कितना हो जाएगा, 12.60 रुपये प्रति किलो हो जाएगा। इसे किस अनुपात में मिलाएंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों 14.40 रुपये और 12.60 रुपये में कितना का अंतर है, तो आपका दोस्तों 1.80 रुपये का अंतर है। तो यहाँ पर देखना 1.80 रुपये अनुपात लगा देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 11.40 रुपये और 12.60 रुपये में कितना का अंतर है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 1.20 रुपये का अंतर। तो यहाँ पर देखना 1.20 रुपये और यह जो आपका अनुपात में लिख रहा है 1.20 रुपये और 1.80 रुपये, यह क्या होगा, मात्रा में होगा, क्योंकि यह क्या है, गेहूँ है, गेहूँ हो चावल हो घी हो ये सब क्या होगा, मात्रा में होगा। तो ये दोस्तों आपका क्या होगा, मात्रा में होगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों दोनों साइड बराबर संख्या के बाद दशमलव है, तो आपको दोस्तों सबसे पहले दशमलव हटा देना है, ठीक है, और शून्य से शून्य खत्म हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 12:18 के अनुपात में, ठीक है। और यह दोस्तों कट जाएगा, ठीक है, इसे काटेगा तो आपका हो जाएगा 6×3=18, या आपका हो जाएगा 6×2=12, मतलब 2:3 के अनुपात में आपका आ गया दोस्तों गेहूँ का मात्रा, ठीक है। आप कह सकते हैं 14.40 रुपये वाला 2 kg, ठीक है, और 11.40 रुपये वाला 3 kg गेहूं को अगर मिलाएगा तो मिश्रण का जो मूल है कितना हो जाएगा, 12.60 रुपये प्रति किलो हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों यही कर रहा था किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, तो इसे दोस्तों 2:3 के अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन यही कर रहा था किस अनुपात में मिलाएंगे, तो मतलब 2:3 के अनुपात में मिलाएंगे तो मिश्रण का मूल कितना हो जाएगा, 12.60 रुपये प्रति किलो हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2:3 के अनुपात। यह दोस्तों आज की इस एलिगेशन क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए, ठीक है, इससे दोस्तों आपको एक भी क्लास मिस नहीं होगा, ठीक है। जब भी मैं क्लास अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।